क्या आज हमारी डेमोक्रेसी इस मोड़ पे आके खड़ी हो चुकी है कि हम अपने अधिकारों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना इतना बड़ा पाप हो चुका है, इतना बड़ा गुनाह हो चुका है जिसका भुगतान हमें अपनी जिंदगी और इज्जत गवा कर देनी पड़े। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला, आप सभी का स्वागत करता हूं द पेन पॉइंटर के एक नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बंगाल इंसिडेंट के बारे में। बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद से बंगाल में माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टीएमसी के समर्थकों की अनेकों वीडियोज वायरल हो रही है जिसमें वो लोगों को प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी के कितने कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कई सारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारापीटी करी है और कितने लोगों की जानें भी ले ली गई हैं। ऐसी कितने सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। अब जब ऐसी वीडियो सामने निकल के आती हैं तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, और अगर है भी तो उन्हें मानने वाले कितने लोग हैं। ये पहली वीडियो नहीं है जो बंगाल से निकल के सामने आई है जिसमें दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अक्सर बंगाल के अलग अलग हिस्सों से ऐसी वीडियो सामने आती रहती है जिसमें लोगों के साथ बुरा होता है और लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या बंगाल हमारे देश का हिस्सा नहीं है, और अगर है भी तो क्या बंगाल में हमारे देश में बने कानून लागू नहीं होते। लोगों को मारना, पीटना, लोगों को मौत के घाट उतारना, बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार होना बिल्कुल आम बात हो चुकी है। अक्सर ऐसी वीडियोस निकल के सामने आती हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई क्या होती है इसका कोई कुछ पता नहीं। क्या किसी पार्टी का समर्थन करना इतना बड़ा गुनाह हो चुका है कि जिसका भुगतान खुद की जान गवाकर, खुद की इज्जत गवाकर देनी पड़े? अब इस वीडियो के जरिए हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि आप सरकार से ये सवाल करें कि बंगाल में हो रहे इन हालातों को कब कंट्रोल किया जाएगा, कब उन लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे माहौल बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल अपने सरकार से जरूर करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कि ये आवाज आगे तक पहुंचे और लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाएं। बंगाल इलेक्शन के बाद से बने माहौल के ऊपर लोग विचार करें, विमर्श करें, और जो भी लोग ऐसे मामलों को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे मामलों में चिंगारी फैला रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इसकी उम्मीद करता हूं। अब इस वीडियो के जरिए हम लाइक सब्सक्राइब का भीख नहीं मांगेंगे आपसे। अगर आपको जरूरी लगे तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करने का कष्ट करें। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।